सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बैनर्जी की भरोसेयोगता से सवाल उठाने वाले कांग्रेस की पछमी बंगाल इकाई के प्रधान अधीर रंजन चौधरी को पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने लड़ाकू सिपाही करार दिता है। पछमी बंगाल की बहरामपुर सीट तो पांच बार के लोकसभा मैंबर चौधरी ने पिछले हफ्ते कहा कि ममता बैनर्जी से भरोसा नहीं किया जा सकता तो भारतीय जनता पार्टी के नाल जा सकती, जिसन लैके खड़गे ने उन्होंने झाड़ पाई से। खड़गे ने चौधरी बारे कहा कि साढ़े लड़ाकू सिपाही ने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अगले हुक्मां तक तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध किसी भी तरह के अपमानजनक इश्तहार प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाम चोन कमिश्न ऑफ इंडिया के मामले सुनवाई करते सिंगल बेंच के जज ने जस्टिस सभ्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के इश्तहारों के खिलाफ टीएमसी वालों दायर शिकायतों का निपटारा करने में सफल रहने लिए चोन कमिश्न की खिंचाई की है। कहा कि कमिश्न अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई रिकॉर्ड वोटिंग लिए उतों के वोटरों को बधाई दी। कहा कि यह लोकतंत्र कदर कीमत प्रति उन्हों की अटुट वचनबद्धता दर्शाता है। कदे अतवाद तो प्रभावित रहे बारामूला में लोकसभा चोणों की वोटिंग 58% तो वध लोगों ने अपने वोट अधिकार की वरतों की। इस संसदीय सीट से हुई हुण तक की सब तो वध यही वोटिंग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से तिखा हमला किया। उन्हें कहा कि चोणों के पांच पड़ावों तो बाद हुणे स्पष्ट हो गया कि 4 जून भाजपा की सरकार जा रही है अते इंडिया गठजोड़ की सरकार आ रही। जिमें जिमें चोणों के पड़ाव बढ़ रहे हैं स्पष्ट हुंदा जा रहा है कि गठजोड़ देश को स्थिर सरकार देने की दिशा दे विच अगे बढ़ रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए सन, उन्होंने संगम विहार च 500 तो घट लोगों की जनतक मीटिंग च मैनू खूब गालां कढ़ियां। आप के समर्थकों पाकिस्तान ने कहा है गलत है, मैनू कुछ भी कहो पर दिल्ली पंजाब गुजरात गोवा के लोगों पाकिस्तानी किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा। गुजरात च एक चाह वाले नूं आमदन कर विभाग ने 49 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा। दरअसल आमदन कर विभाग ने यह नोटिस चाह बेचने वाले खेमराज दवे के खाते च 34 करोड़ रुपए के गैर कानूनी लैन देन लैके भेजा है। इस तो पहला भी दवे नूं 2 नोटिस जारी किए गए सन पर अंग्रेजी भाषा ना जानने कारण उसने नजरअंदाज किया। जो अगस्त 2023 तीजी बार नोटिस आया तो वह इसनों वकील सुरेश जोशी को लै गया तो सारा मामला जाना। साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अज 33वीं बरसी। इस मौके दिल्ली में सीनियर कांग्रेसी आगवान राजीव गांधी के स्मारक स्थान वीरभूमि का दौरा करके श्रद्धांजलि भेंट की। कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, साबका केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, साबका उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आदि समाधि स्थल वीरभूमि विखे प्रार्थना सभा भी करवाई गई। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है शांति सद्भावना तरक्की के मोढ़ी श्री राजीव गांधी को सलाम। किसान अंदोलन के 100 दिन पूरे होने से शंभू विखे 3 किसानों की रिहाई लिए चल रहे रेल रोको अंदोलन संबंधी किसान भवन चंडीगढ़ विखे किसान मजदूर मोर्चा और SKM ने अहम ऐलान किए हैं। किसान आगू सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 मई को पटियाला विखे होने वाली चोन रैली संबंधी किसान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधानिक जमहूरी ढंग से सवाल जवाब कर। पटियाला की तेजबाग कलोनी तो एक हैरान करने वाला मामला सामने, जितों के रहने वाले 2 बच्चे भेद भरे हालात लापता हो गए हैं। जानकारी मुताबिक ये बच्चे संगतान एक बस से सवार होकर श्री राम लला दर्शन लिए अयोध्या गए हुए सन, जिस तो बाद अचानक लापता हो गए। गुमशुदा बच्चे तेजबाग कलोनी के रहने वाले कार्तिक के प्रिंस ने, जिन्हों के लापता होने से परिवार वालों का बुरा हाल है। इस तो बाद हैरान करने वाली गल है कि परिवार वाले दोवें बच्चों के कपड़े नदी के कंढे तो मिले हैं। इस घटना तो बाद परिवारक मैंबरों को इस गल की चिंता है कि आखिर बच्चे किधर गए। देश के प्रधानमंत्री 20 साल बाद चोन प्रचार लिए पटियाला पहुंचे ने भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 में अकाली भाजपा गठजोड़ के उम्मीदवार चोन प्रचार करने लिए पटियाला आए सन, हुण गठजोड़ टुटन तो बाद भाजपा उम्मीदवार के हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटियाला पहुंच रहे हैं। खास गल यह है कि उदो अटल बिहारी वाजपेयी ने परनीत कौर के खिलाफ प्रचार किया, अज बदले हालात नरेंद्र मोदी परनीत कौर के हक में प्रचार करेंगे क्योंकि उदो विरोधी धिर के उम्मीदवार सन, अज वह भाजपा की उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी को जलंधर च वड्डा झटका लगे। जानकारी मुताबिक अकाली दल छड़ के आम आदमी पार्टी शामिल हुए जलंधर के साबका विधायक जगबीर सिंह बराड़ भाजपा शामिल हो गए हैं। दरअसल जगबीर बराड़ पार्टी तो नाराज सन, जिस कारण वो आम आदमी पार्टी छड़ के भाजपा च शामिल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्र तरुण चुग ने भाजपा च उन्होंने शामिल कराया। जगबीर बराड़ जिमनी चोणों दौरान श्रोमणी अकाली दल छड़ के आम आदमी पार्टी शामिल हुए सन। शामिल होने तो बाद आप वालों बराड़ को कोई वड्डा अहुदा नहीं दिता गया। जगबीर सिंह बराड़ सूबे च अकाली दल की सरकार वेले जलंधर छावनी हल्के तो विधायक सन। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मैंबर स्वाति मालीवाल ते मुख्यमंत्री हाउस च हुए कथित हमले दी मामले दी जांच लई दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया। इस मामले च SIT विच अंजिता चिपलिया तो इलावा 3 इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी शामिल। इन्हां च थाना सिविल लाइन का SHO भी शामिल है जिथे केस दर्ज है।
ਸੇ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਵ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 ते 24 मई नूं पंजाब च तीन चोण रैलियां नूं संबोधन करन अर्थात पंजाब आमद मौके इत्थों दे कांग्रेसी लई भुलेखे पैणे जा रहे गलत फहमी पैदा होना सुभाविक है क्योंकि मालवे के कांग्रेसियों लई 23 मई नूं पटियाला विखे जदकि 24 मई नूं दुआबे के कांग्रेसियों नूं जलंधर ते माझे के कांग्रेसियों नूं गुरदासपुर विखे बहुत वड्डे भुलेखे पैणगे। राजनीतिक माहिरां अनुसार जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुचे मालवा हल्के दे भाजपा उम्मीदवारां दे हक विच पटियाले तों संबोधन करनगे तो उपरोक्त कांग्रेस तों भाजपाई बणे आगुआं नूं प्रधानमंत्री दे नाल जलंधर ते गुरदासपुर विखे भी जाणा पवेगा तो उत्थे भी स्थिति ही देखने को मिलेगी जिथे पुराने कांग्रेसी वर्करों को भुलेखे पैणगे किते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुलेखे नाल कांग्रेस की स्टेज सांझी कर रहे। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।